आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बाइट मूसापुर कटिहार में जो गवर्नमेंट की कॉलेज है वहाँ से आप डीएलएड 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह कर सकते हैं। डीएलएड में एडमिशन के लिए आप डाइट मूसापुर कटिहार में जो गवर्नमेंट की कॉलेज है वहाँ से किस तरह आवेदन कर सकते हैं और बाइट कॉलेज क्या है और यहाँ से डीएलएड करने पर क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मैं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बाइट मूसापुर का वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, इसलिए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे bitemusapur.com। उसके बाद इस वेबसाइट पे आ चुके, इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले जान लेते हैं ये बाइट क्या होता है। बाइट का फुल फॉर्म हो गया प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, ठीक है, जिसे बाइट कहा जाता है, जो कि प्रखंड लेवल पे होता है। जैसे कि डाइट है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और बाइट जो होता है वो प्रखंड लेवल पे होता है और PTEC यानी कि प्राइमरी यानी कि गाँव लेवल पे होता है। ये गाँव लेवल पे आपको PTEC कॉलेज मिल जाएंगे, प्रखंड लेवल पे बाइट कॉलेज मिल जाएंगे, BITE और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट कॉलेज मिल जाएंगे। सभी कॉलेज के वैल्यू सेम है, कहीं से भी आप डीएलएड करेंगे तो आपको उतना ही चार्ज लगेगा, उतना ही वैल्यू होगा। राज्य और केंद्र में सभी जगह पे आपका एक समान वैल्यू है। या आप PTEC से ट्रेनिंग की हो या बाइट से ट्रेनिंग की हो या डाइट से ट्रेनिंग की हो, कहीं से भी ट्रेनिंग की हो तो आपको वैल्यू जो है उसकी सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन आपको सेंट्रल और बोर्ड सभी जगह पे सेम वैल्यू है। जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक और कन्फ्यूजन दिखने को मिलेगी, महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। ये जो है कॉलेज के पुराने नाम हैं, जो कि पहले महिला प्राथमिक शिक्षा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था, जो पहले एडमिशन इसमें सिर्फ महिला का लिया जा रहा था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है, अब प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था बना दिया गया। अब यहाँ पे पुरुष और महिला सभी एडमिशन लेके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो चलिए आवेदन करने के लिए DLED 2020 में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले स्टेप पे जाते हैं कि यहाँ पे स्टेट बैंक कॉलेज पे क्लिक करके एक चालान हमें कटाना हो, जिस पे स्टेट बैंक कॉलेज के इस पर क्लिक करेंगे, न्यू टैब ओपन हो जाएगी। न्यू टैब ओपन हो जाने कुछ इस तरह का यहाँ पर एक लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे, उसका टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एडुकेशनल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पर आपको लिखना है प्रखंड PRAKHAND, ये देख सकते हैं प्रखंड जैसे लिखेंगे आपको एक ही ऑप्शन लिखने को मिलेगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूसापुर कटिहार का ये कॉलेज आ चुका है। उसके बाद फी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये छोटा सा फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। फॉर्म में सबसे पहले अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद इसको MISC को खाली छोड़ेंगे, एप्लीकेशन फ़ी में 100 देंगे, एडमिशन फ़ी वगैरह को खाली छोड़ेंगे, उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको एक चालान कटवा लेना, जिस तरह आप अदर कॉलेज में चालान कटाते हैं उसी तरह आपको यहाँ पे चालान 100 रुपये के कटवा लेना है। उसके बाद फिर से आपको इस वेबसाइट पे आना, इस वेबसाइट पे जैसे आएंगे यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन अप्लाई फॉर DLED, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दिशा निर्देश है कैसे आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ को पढ़ लेना है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अगर फॉर्म फिलअप करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर देंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे, कन्फर्म OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह, यहाँ पे कैटेगरी उससे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरल से या जनरल से EWS कैटेगरी से BC OBC EBC किस कैटेगरी से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप हैंडीकैप है तो यस, विकलांग वगैरह तो यस सेलेक्ट करेंगे। अगर यस सेलेक्ट करते हैं तो किस टाइप के हैं, आई से हैं या कान से हैं या पैर हाथ से फिजिकल है, जिससे भी उसको सिलेक्ट करेंगे। और आपके सर्टिफिकेट कितने परसेंट है वो आपको यहाँ पे देना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉक सेलेक्ट करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ देंगे, यहाँ पे कह रहा लास्ट एग्ज़ाम, लेटेस्ट एग्ज़ाम अपनी कौन सा एग्ज़ाम लेटेस्ट पास किया है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी क्या जैसे इंटरमीडिएट की थी इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे,
और इंटरमीडिएट था ये मार्क परसेंट वाले मार्क एग्जाम था या पॉइंट वाले एग्जाम था। बिहार बोर्ड परसेंट वाले परसेंट को सिलेक्ट करेंगे, कितना परसेंट इंटर में आया वो देंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म हो जाए ओपन हो जाए, यहाँ पे अप्लाई फॉर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आर्ट या कॉमर्स से अप्लाई करना चाहते हैं या साइंस से वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने धर्म का नाम देंगे, अगर मुस्लिम है तो इस्लाम देंगे, अगर हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे, जिस भी धर्म से वो सिलेक्ट इंटर करेंगे। उसके बाद इस कैंडिडेट का हिंदी अंग्रेजी में फुल नाम देंगे, उसके बाद हिंदी में उनके फादर्स का फुल नेम अंग्रेजी में, उसके मदर का फुल नेम अंग्रेजी में। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, आधार नंबर देंगे, ये सब देना अनिवार्य। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देंगे, विलेज, मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, भाया, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। अगर ये परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम आज परमानेंट एड्रेस इस वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे, दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम की डिटेल देनी होगी कि आप उर्दू कैटेगरी से, उर्दू कैटेगरी जो है अगर आपके ट्वेल्थ में उर्दू था सब्जेक्ट, अगर साइंस से भी ट्वेल्थ किए थे और उसमें एक सब्जेक्ट उर्दू था तो यस कर सकते हैं। अगर ट्वेल्थ में आपका एक भी सब्जेक्ट उर्दू नहीं था तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना हो। ट्वेल्थ में अगर उर्दू था तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं, अगर ट्वेल्थ में उर्दू नहीं था तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको टाइप ऑफ एग्जाम एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि उर्दू जो आपको सब्जेक्ट था वो साइंस बिहार बोर्ड से अगर आपने साइंस किया उसमें एक उर्दू सब्जेक्ट फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप उर्दू लाइन से पढ़े हैं तो मौलवी की है उर्दू लाइन से तो आपको सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप बिहार बोर्ड से इंटर किए उसमें उर्दू एक सब्जेक्ट है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप उर्दू बोर्ड से कर रहे हैं तो मौलवी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सिलेक्ट करेंगे इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। उर्दू 100 मार्क का होना चाहिए आपके इंटर में। उसके बाद यहाँ पे टेंथ जो किए, टेंथ किस बोर्ड से किए, किस स्कूल से किए, कितना मार्क आया आपको, कितना फुल मार्क था, कितना परसेंट, जैसे मार्क और फुल मार्क देंगे परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। टेंथ किस साल पास किया आपको वो देना होगा। इसी तरह ट्वेल्थ की डिटेल आपको देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे जब चलान जो कटाए थे वो चलान का रेफरेंस नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी, जिसकी हर डॉक्यूमेंट की साइज़ 150 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे चूज फाइल पे क्लिक करके, उसके बाद हिंदी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके बाद मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट और अदर जो डॉक्यूमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना, मतलब कि जीरोस करके उस पर सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा। जिसमें मैट्रिक की मार्कशीट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, इंटर की मार्कशीट को अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, रेसिडेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। इसके अलावा अगर अदर सर्टिफिकेट कोई है तो दे सकते, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते। उसके बाद हमें डिक्लेरेशन देंगे, टिक मार्क लगेंगे, उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, आपको एक रिसिप्ट जनरेट करके दे दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जाने की बाइट मुसापुर कटिहार में किस तरह ऑनलाइन आवेदन DLED 2022 के लिए कर सकते हैं।